पिछले वीडियो में मैंने क्या बनाया था, एक्सरसाइज 12.1 क्लास 7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने बनाया था, आज हम क्या करेंगे कि जो एक्सरसाइज 12.1 का जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये सॉल्व करने से पहले आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 वो क्वेश्चन क्या दिया है और उसका समाधान किस तरह की किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स रिलेटेड टर्म कौन सा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो टर्म आपको दिया गया है वो एक्स कंटेंट होगा, यानी कि इस टर्म में जो भी टर्म आप ढूंढ रहे हो वही टर्म के अंदर आपको एक्स जरूर मिलेगा। वो टर्म आपको लिखना है और जो एक्स दिया गया है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। पिछले वीडियो में मैंने जो फंडामेंटल क्लास किया था, बेसिक क्लास किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसके अंदर मैंने टर्म क्या है, फैक्टर्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, ये सारा चीज मैंने बता दिया था। अगर आप चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है आपके सामने, फ्रेम के ऊपर मैंने क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूं। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको ये जो एक्सप्रेशन के अंदर आपको एक्स रिलेटेड टर्म निकालना है और वो जो एक्स होता है ना वो एक्स का कोएफिशिएंट बस खाली आपको निकालना है, यही बात है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यानी कि ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर आपको एक्स कंटेंट टर्म कौन सा है। देखिए यहाँ पर तो दो टर्म, एक है वाई स्क्वायर एक्स और दूसरा वाला है खाली वाई, तो ये तो हरगिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाई में एक्स बिल्कुल है ही नहीं। तो अगर किसी में एक्स है तो वो टर्म कौन सा है, ये है आपका वाई स्क्वायर एक्स, यानी कि वो टर्म होगा, इधर मैं टर्म लिख देता हूं टर्म्स। तो ये क्वेश्चन नंबर आई में एक्स रिलेटेड जो टर्म होता है वो होता है आपका वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर? और सेकंड बिट क्वेश्चन यानी कि और भी क्वेश्चन पूछा है कि वो टर्म का आपका जो कोएफिशिएंट है वो आपको निकालना है। दैट मींस यू हैव टू जस्ट हियर फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मींस जो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपको निकालना है। तो इधर मैं एक हेडिंग कर देता हूं जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो टर्म आपके सामने है वही टर्म का जो x एक वेरिएबल होता है ना उसका कोएफिशिएंट क्या है। देखिए ये x का कोएफिशिएंट कौन सा है, y स्क्वायर है। तो x का कोएफिशिएंट आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि y स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चन बिट आई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बिट टू की ओर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दो टर्म है, टू टर्म्स आर हियर बट इट डज नॉट कंटेन x। यहाँ पर आपको जो x चाहिए, जो क्वेश्चन की मांग है यहाँ पर वो x नहीं है। तो अगर कोई जाएगा टर्म वो क्या होगा, ये वाला होगा। तो हम यहाँ पर जो टर्म्स दिया गया है वो टर्म हम क्या लिखेंगे कि माइनस एट वाई एक्स। ध्यान दीजिए कभी भी आप प्लस एट वाई एक्स नहीं लिखने का। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मैंने बताया था कि टर्म्स आपको कैसे मिलेगा कि एक्सप्रेशन के अंदर द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, यानी कि जो टर्म रहते हैं ना वो प्लस के साइन के हिसाब से वो अलग हो जाते हैं। यानी कि इधर वो मैंने अगर इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऐसे ही आएगा, प्लस ऑफ माइनस एट वाई एक्स। देखिए प्लस सिंबल यहां पर रह गया तो ये सेपरेट हो गया। तो यहां पर आपको टर्म क्या है मिलेगा, माइनस एट वाई एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एक्स को छोड़ के बाकी जो टर्म रहता है ये होता है आपका एक्स का कोएफिशिएंट माइनस एट वाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर टू, यहाँ पर एक्स तो नहीं है, वाई के अंदर भी एक्स नहीं है, तो एक है वो है खाली एक्स। तो यहाँ पर टर्म्स क्या होगा, एक्स, और यही एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, हाँ कुछ नहीं मतलब 1 इनटू एक्स, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यू कैन राइट हियर दैट इज सिंपली 1। यस,
अब ये क्वेश्चन नंबर आई बी की ओर देखें, ये फाइव ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, जेड के अंदर कोई एक्स भी टर्म नहीं है, एक्स की जो वेरिएबल है वो नहीं है, तो जेड एक्स ये होगा आपका जो चाहने वाला टर्म वो क्या होगा, जेड एक्स, क्योंकि इसके अंदर एक्स है। तो यहां पर एक्स का जो कोफिशियंट मेरे को चाहिए वो होता है आपका जेड, तो यहां पर मैंने क्या लिख सकता हूं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज योर जेड। अब यहां पर बात करें इसको, इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये वन तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि यहां पर एक्स कंटेंट नहीं कर रहा है वन में, तो एक्स में कंटेंट है, हाँ, ये एक्स एक टर्म है और एक्स वाई, ये दो टर्म्स है जिनके अंदर आपको एक्स ही मिलेगा, तो यहां पर हम एक्स एक लिख सकता हूं और दूसरा जो टर्म है वो है के एक्स वाई, तो एक है एक्स और दूसरा वाला है एक्स वाई, तो ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, वन, ये x का कोफिशियंट क्या होगा बच्चों, वन होगा। अब ये जो एक्स वाई मैं लिख रहा हूं, ये एक्स वाई का जो x का कोफिशियंट यानी कि इसका कोफिशियंट क्या होगा, यही y, yes, दिया हूं, दैट मीन्स द कोफिशियंट ऑफ x ये जो रह गया है ये होता है आपका कोफिशियंट किसका, x का कोफिशियंट। अब भी क्लियर, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर वी आई में यहां पर टू टर्म्स आर हियर बट वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट एक्स कंटेनिंग टर्म, एक टर्म हमको निकालना है जिसके अंदर एक्स ही मिलेगा, तो ये तो 25 कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम हमारा जो क्वेश्चन की मांग थी इस हिसाब से हम 25 को कभी भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वो एक्स कंटेनिंग टर्म नहीं है, अगर किसी को लेना चाहेंगे तो वो क्या होगा आपका 12xy2 क्योंकि इसके अंदर एक्स प्रेजेंट है, तो आपका जो टर्म चाहिए आपको वो कौन सा टर्म है, वो होगा आपका 12xy2 एंड After that, we have to find out the coefficient of x, यानि कि x को छोड़ के जो coefficient हमको चाहिए वो क्या होगा, yes, 12y2, बाकी जो रह जाता है वो होता है x का coefficient, अब clear? उसके बाद देखेंगे ये v का double i, यहाँ पर कितने टर्म है x containing, हाँ ये एक टर्म है, x यहाँ पर है तो दो टर्म हमको मिल रहा है यहाँ पे, एक होता है आपका 7x, दूसरा वाला होता है xy2, देखिए ये एक टर्म है ये भी एक टर्म है, तो यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या होगा, यस x का कोफिशियंट 7 होगा, और उसके बाद जो एक्स वाई स्क्वायर रहता है ना वो जो x का कोफिशियंट इधर क्या रहता है, y स्क्वायर, दैट मीन्स द कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x का जो कोफिशियंट रह जाता है वो होता है आपका वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 बिट ए का, और 4 का बिट बी भी है, देखते हैं वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 4 का जो बिट बी मैंने ये व्हाइट बोर्ड में लिखवाया, इसमें से दिया गया है कि एक आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है वही एक्सप्रेशन से आपका जो वाई स्क्वायर कंटेनिंग टर्म निकालना है, मतलब जो टर्म आपको निकालना है ना वही टर्म के अंदर आपका वाई स्क्वायर रहना चाहिए, तो Identify terms which contain y square and give the coefficient of y square. इसे जो मैंने पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था ना इससे पहले वो था जिस जस्ट उसका यहाँ पर y square दिया है, वहां पर दिया था क्या x का जो coefficient और टर्म निकालना है, टर्म और coefficient, तो ये तो वही सेम वाला हो गया, तो ये करने में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको निकालना है जो टर्म है जिनके अंदर आपको y square मिलेगा, मतलब इधर देखिए 8 तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि इधर वेरिएबल है ही नहीं, बिकॉज 8 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, हाँ तो इसके अंदर वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हम टर्म कहां पर इधर मैं हेडिंग कर देता हूं टर्म्स, अब यहां पर लिखूंगा कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर का कोफिशियंट हम इधर ही हमको लिखना है, तो ये 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर यानी कि इधर टर्म कौन सा है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये है आपका टर्म, ठीक है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस भी आपको साथ ही में लेना है, अगर नहीं लेंगे तो बोल गलत हो जाएगा, क्यों क्योंकि बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूं कि अगर प्लस जहां पर आपके अलजेब्र के एक्सप्रेशन के अंदर मिल रहा है वो सेपरेशन होगा, अगर माइनस होगा तो वो माइनस के साथ ही जाएगा क्योंकि द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस सिंबल, तो इधर मैं क्या लूंगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर,
तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यस माइनस एक्स। आपको माइनस एक्स लिखना है, खाली एक्स मत लिखना। इधर देखिए, तो इधर जो दो टर्म दिया गया है, ये दो टर्म के अंदर सेवन एक्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है आपका वाई स्क्वायर, तो इसके अंदर वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, तो ये टर्म क्या होगा, फाइव वाई स्क्वायर। और जो वाई स्क्वायर यहां पर रहता है ना, वही वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, यस फाइव। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इज फाइव। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर कहां कहां पर है, हाँ इधर एक वाई स्क्वायर है माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर, इधर भी एक वाई स्क्वायर है 2 एक्स स्क्वायर वाई, इधर वाई है वाई स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पर टू टर्म्स आ जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे, एक होता है आपका माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर और दूसरा जो है वो है 7 वाई स्क्वायर। तो इधर वाई स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो टर्म रह जाता है ना, जो आपका जो कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस 15x। अब यहां पर क्या हम लेंगे, वाई स्क्वायर को छोड़ के जो नंबर मैंने कि जो आपका कांस्टेंट आ रहा है वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसका समाधान मिल गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आईएक्स में जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, यानी कि ये एक टर्म है जेड स्क्वायर माइनस 3z एक टर्म है और 8 भी एक टर्म है, तो ये कुल मिला के कितने टर्म होते हैं, थ्री टर्म्स यानी कि ट्राइनोमियल। ठीक है, अब x में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर एक टर्म है बी स्क्वायर भी एक टर्म है, तो ये दोनों जो टू टर्म्स आर हियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनोमियल बाइनोमियल। अब यहां पर एक्स आई में ये जेड स्क्वायर है ये एक टर्म है प्लस जेड है, क्योंकि हालांकि यहां पर आपका जो लिटरल केस आ रहा है यानी कि वेरिएबल आ रहा है वो सेम रहता है, पर उनका जो पावर रहता है, ध्यान से देखिए इधर पावर 2 हो जाता है और इधर पावर जेड का कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, तो ये कभी भी लाइक टर्म नहीं होगा, तो ये अनलाइक टर्म है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक टर्म है ये भी एक टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। लाइक टर्म हम उसको ही बोलेंगे जहां पर आपका जो लिटरल फैक्टर सेम, लिटरल टर्म्स सेम रहते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ये अगर जो वेरिएबल के साथ अगर डिग्री भी सेम रहेगा तो वो होगा आपका लाइक टर्म्स। तो इधर ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे, जिस वजह से हम उसको दो टर्म में लिख सकते हैं, एक है जेड स्क्वायर और दूसरा वाला है जेड, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब इधर देखिए एक्स डबल आई का ये क्वेश्चन में 1 एक टर्म है, एक्स एक टर्म है और एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है, मतलब 1, 2, 3 थ्री टर्म्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो बीट था वो मैंने करवा दिया। अब